नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है ये। पहली बार अब होने जा रहा है जिसकी बहुत समय से चर्चा थी, शायद वो दिन अब आ गया। यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अब टूटने वाली है। अरविंद केजरीवाल पकड़े जाने वाले हैं और केजरीवाल जेल में होंगे। उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं होगा। वकीलों की फीस नहीं जाएगी, बड़े बड़े वकील खड़े नहीं हो पाएंगे। हालांकि उन्होंने बहुत सारा काला धंधा करके जो है बहुत सारी मनी काला पैसा जमा कर रखा है, परंतु दिखाने के लिए वो आखिर उस पैसे को लगाएंगे कैसे, बड़ी बात है। हम ये बात ऐसे नहीं कह रहे, इस बात का कुछ मतलब है। आज ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल कर दिया, यानी कि जो चार सीट है वो दाखिल की। और इस चार सीट के अंदर, इस सप्लीमेंट्री चार सीट में पहली बार अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज कर दिया है ईडी ने। यही नहीं, ईडी की तरफ से आम आदमी पार्टी को भी शामिल कर लिया गया है इस पूरे भ्रष्टाचार के आरोप में। जो शराब घोटाले का पैसा था वो अरविंद केजरीवाल ने रिश्वत ली। अरविंद केजरीवाल पूरा उस मामले का मास्टरमाइंड था, मनीष सिसोदिया के साथ और के कविता के साथ मास्टरमाइंड की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल है। और दूसरा, जो आम आदमी पार्टी को रिश्वत का पैसा जो के कविता से लिया था, वो रिश्वत का पैसा आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव के चुनाव लड़ने के लिए गया था, इसलिए आम आदमी पार्टी को भी पार्टी बना लिया गया है। यानी कि आम आदमी पार्टी का अब खेल खत्म, और खेल खत्म अरविंद केजरीवाल का। जो अरविंद केजरीवाल केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपक कर और मुख्यमंत्री बने रहकर बड़े बड़े खेल करने जा रहे थे, अब बड़ा खेल खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हो गया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है उनके खिलाफ। और शुक्रवार को ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करते हुए पहली बार आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बना लिया है। और ये बहुत बड़ा मामला है कि उनको आरोपी बनाया गया। यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल को पीएमएलए केस में आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा कथित शराब घोटाले में पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी आरोपी बना लिया गया है। और इतना ही नहीं, ईडी ने दावा कर दिया है कि उन्हें हवाला ऑपरेटर से जो चैट थी अरविंद केजरीवाल के साथ, वो भी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी ने इसका हवाला दे दिया कि हमें वो चैट मिल गई है, और बहुत जल्दी ईडी उस चैट को सुप्रीम कोर्ट के और राउज एवेन्यू कोर्ट के पटल पर रखने वाली है। ईडी ने कथित शराब घोटाले में शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दायर किया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस मामले में दायर यह आठवां आरोप पत्र है। इस चार सीट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का नाम को जोड़ा गया है, आरोपी के तौर पर दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ दायर यह पहली चार्जशीट है जिसमें उनका नाम अब चार्जशीट में आ गया है। आम आदमी पार्टी बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहती थी, कहाँ है अरविंद केजरीवाल का नाम, कहाँ है, लीजिए आ गया, अब उखाड़ लीजिएगा, क्या करेंगे आप, देखिएगा। आइए अब खेलिए सामने, बड़ा नाम चाहते थे ना आम आदमी पार्टी का, चोर आखिर चोर होता है, अरविंद केजरीवाल चोर है, लुटेरा है, और उसका नाम अब दर्ज हो गया है एफआईआर के अंदर, चार्जशीट के अंदर। पहली बार है कि एक मौजूदा मुख्यमंत्री एक राजनीतिक दल को मनी लॉन्ड्री के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आने वाले दिनों में ईडी द्वारा दायर की गई इस 200 पन्नों की इस आरोप पत्र पर संज्ञान ले सकती है। सूत्रों ने कहा कि आरोपियों पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के प्रावधानों के तहत आरोप लगाने की मांग की गई है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 50 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद रहने के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी। उनकी जमानत का विरोध करते हुए ईडी ने कहा था कि वह इस घोटाले में जल्दी ही आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाने जा रहे हैं, तभी बता दिया था। ईडी अब तक इस मामले में 7 आरोप पत्र दायर कर चुके हैं। इससे पहले ईडी ने अपने आरोप पत्र में कहा कि मनीष सिसोदिया और के कविता के साथ अरविंद केजरीवाल भी इस मामले के मास्टरमाइंड हैं। साथ ही कहा कि पीएमएलए की धारा 70 के तहत आम आदमी पार्टी कंपनी के रूप में मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है। ईडी का कहना है कि जांच से पता चला कि इस घोटाले से प्राप्त आय का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने अपने गोवा चुनाव अभियान के लिए किया था। अब ये बात आ गई कि उन्होंने ये गोवा चुनाव जो लड़ा था 45 करोड़ रुपए हम आपको बता चुके हैं, जिसमें चंद्रप्रीत सिंह चन्नी गिरफ्तार हो गए हैं और वो हवाला ऑपरेटर थे, उन्होंने सारी बात उगल दी है। और उस 45 करोड़ रुपए पर अरविंद केजरीवाल ग्रैंड हयात वहां पर जो होटल है उसके अंदर बड़ी मौज मस्ती लग्जरी लाइफ जी रहे थे, ऐशो आराम कर रहे थे, लेकिन वो सारा मामला अब उल्टा पड़ गया है। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू किया गया था और जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितताएं होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल को वीके सक्सेना को सौंपी थी। इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री सिसोदिया को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई की प्राथमिक आधार पर ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामला दर्ज कर लिया और ईडी का आरोप है कि आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गई थी और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया था। इसमें लाइसेंस शुल्क माफ या कम किया गया था। इस नीति से सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। हालांकि इस मामले में जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को वापस ले लिया था, लेकिन तब तक ये सारा कांड हो चुका था। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी करोड़ों रुपए का मुनाफा कर चुकी थी, अपनी जेबें भर चुके थे सारे नेता, और दिल्ली के सरकारी जो खजाना दिल्ली का उसको करोड़ों रुपए की चपत लगा चुके थे। और इतना ही नहीं, 45 करोड़ रुपए इन्होंने गोवा चुनाव के लिए भेजे थे। जो हवाला ऑपरेटर था वो चंद्रप्रीत सिंह चन्नी, उसको भी पकड़ लिया गया। दुर्गेश पाठक और विजय नायर, ये दोनों चुनाव देख रहे थे, गोवा के चुनाव प्रभारी थे, इन्होंने वहां पर पैसा भेजा और पैसा रिसीव किया। जो चन्नी था उससे पैसा जो लिया उस पे ईडी के पास, उसने वहां एक एक आदमी को खंगालने के बाद उनके बयान दर्ज किए जो लोग चुनाव प्रचार का काम कर रहे थे, और उनसे सबसे लिखित में उनको उनसे पूरे रिटर्न में लिए गए हैं। बहुत सारे सबूत और गवाह इस मामले में थे, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इन आरोपों को ऐसे नकारती रही जैसे कुछ नहीं था। बार बार वो एक भी पैसा नहीं मिलने की बात करती रही, मनी ट्रेल ना मिलने की बात करती रही। और अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया है कि जो अरविंद केजरीवाल की हवाला ऑपरेटरों के साथ चैट थी वो भी सामने आ गई है। यानी कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरीके से फंस चुके हैं और उनकी जो पार्टी थी आम आदमी पार्टी, जिसके तहत वो करोड़ों रुपए का माल बना रहे थे, वो भी अब आरोपी बन चुकी है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला राजनीतिक दल होगा जो भ्रष्टाचार मिटाने आया था और भ्रष्टाचार के नाम पर ही वो चला गया। यानी कि अब आम आदमी पार्टी खत्म, और आम आदमी पार्टी खत्म तो आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री अपने आप को बताता है सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, वो फिनिश हो गए हैं। और फिनिश इसलिए भी हो गए हैं कि उन्होंने अपनी ही महिला नेत्री को जिस तरीके से पिटवाया है अपने सीएम हाउस में, बहुत बड़ा दाग है। और अब सबसे बड़ा दाग ये है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई है, समझिए।
और फिनिश हो गया है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ये जितने भी बहुत बड़बोले नेता थे, अब इनका अंतिम समय आ चुका है। बहरहाल अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सब